महानगरों की ये चकाचौंध, ये तेज रफ्तार जिंदगी, सचमुच महानगर सबों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके पीछे वजह भी साफ है। सबसे बड़ा कारण है महानगरों की खूबसूरती, यहाँ की देखने योग्य चीजें। दिल्ली हो या मुंबई, कलकत्ता हो या चेन्नई, इन महानगरों की अपनी ही खासियतें हैं। कहीं ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारक हैं, तो कहीं ऊंची ऊंची इमारतें और कहीं समुद्र का सुनहरी तट। और साथ ही यहाँ पैसे वालों की ग्लैमर भरी जिंदगी भी है, जो महानगरों के रूप रंग को निखारने में बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन ये सारी चीजें तो महानगरों की तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। महानगरी जिंदगी का दूसरा पहलू नजर आता है यहाँ के स्लम्स, यानी कि झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में। इन बस्तियों में अंदर जाने पर कहीं ये नहीं लगता कि ये किसी महानगर का एक हिस्सा है। तंग गलियों के इन आसियानों में अपनी जिंदगी जीते लोगों के लिए महानगर का हिस्सा होने का मतलब ग्लैमर नहीं है और न ही सुख सुविधाओं का अंबार, बल्कि इस तरह की बस्तियों का महानगरों से सरोकार है तो यही कि इनकी आजीविका की धुरी महानगरीय गतिविधियों पर टिकी है। महानगर इन्हें जीने के साधन तो देता है, पर विकास का सलीका नहीं देता और न ही ऐसी स्थिति जिस पर गर्व किया जा सके, यानी कि ये महानगर में होकर भी महानगरीय सभ्यता से बहुत दूर है और शायद इन्हें इस बात का कोई खास ख्याल भी नहीं है। तभी तो ये सुविधाओं के अभाव में जीने के आदि बन गए हैं। ऐसी बस्तियां इक्की दुक्की नहीं है, बल्कि अगर चारों महानगरों की बात लें तो इनकी संख्या हजारों में है और एक बस्ती में 5-10 से लेकर 5-10 हजार तक झुग्गी झोपड़ियां होती हैं। अकेले चेन्नई महानगर में 2500 के करीब ऐसी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में महानगरीय आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। इनमें रहने वाले ज्यादातर लोग या तो फुटपाथ पर छोटी मोटी दुकान लगाने वाले हैं या फिर छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग और मजदूर। इन झुग्गियों में रहने वाली अधिकतर महिलाएं या तो दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती हैं या फिर अपने पति के काम में थोड़ा बहुत हाथ बटाती हैं। वैसे इनके पास स्वरोजगार भी है, ये बीड़ी बनाते हैं। इनमें महिलाएं ज्यादा है, पुरुष कम। इन झुग्गी बस्ती वालों की समस्याएं वही हैं जो आमतौर सभी झुग्गी बस्तियों की होती हैं। पीने के पानी की कमी, जन सुविधाओं का अभाव, साफ सफाई के प्रति लापरवाही, नतीजा गंदगियों का ढेर, कचरे के ढेर और भिन भिनाती मक्खियों के बीच इन झुग्गियों का सबसे दुखद पहलू ये था कि यहाँ के ज्यादातर लोगों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। ऐसे में यहाँ साक्षरता अभियान की जरूरत को समझा गया और उसे चलाने के लिए कोशिशें भी शुरू हुईं। इसके लिए इस अभियान के प्रमुख सूत्रधार यानी कि स्वयं सेवकों की जरूरत थी। हालांकि इस काम में पैसा कतई नहीं है, फिर भी पढ़े लिखे और समाज के लिए कुछ करने के इच्छुक बड़े बूढ़े और नौजवान लोगों को पढ़ाने के पवित्र काम में आगे आए। चेन्नई की इन झोपड़ियों में साक्षरता अभियान के रास्ते में जो महत्वपूर्ण समस्या थी वो थी निरक्षरों की पहचान की। महानगरीय संस्कृति के साए में पनपी इन झोपड़पट्टियों के लोग अपने पहनावे उड़ावे में किसी से पीछे नहीं। ऐसे में ये पता लगाना मुश्किल काम था कि वे पढ़ना लिखना जानते हैं या नहीं, और पूछे जाने पर ज्यादातर लोग अपने अनपढ़ होने की बात छिपा जाते थे। लेकिन जब इन झोपड़पट्टियों में गहन सर्वेक्षण किया गया तो करीब 3.25 लाख लोग निरक्षर निकले। निरक्षरों की पहचान के बाद स्वयं सेवकों ने इन्हें पढ़ाने की कोशिश शुरू की, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। वे जिसे भी पढ़ने को कहते वो टका सा जवाब दे देता था कि मुझे नहीं पढ़ना,
ये दूसरी बड़ी चुनौती थी कि लोगों को पढ़ने के लिए तैयार कैसे किया जाए। पढ़ाई लिखाई से इनकार के पीछे के कारणों को आसानी से समझा जा सकता है। एक तो ये कि इन लोगों का मानना था कि उनकी पढ़ने की उम्र निकल गई है। जब वे बचपन में ही नहीं पढ़ सके तो अब पढ़कर क्या करेंगे। दरअसल वे इस उम्र में पढ़ने की बात सोच भी नहीं सकते थे, इसीलिए जब भी कोई स्वयं सेवक उनसे साक्षरता क्लास में आने को कहता तो वे साफ मना कर देते थे। उन्हें लगता था कि इस उम्र में पढ़ने की बात कर शायद उनकी हंसी उड़ाई जा रही है। भला अब बाल पकने को आए और पढ़ाई की बात करें, ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? जब कोई उन्हें पढ़ने को कहता था तो कुछ इसी तरह के भाव उभरते थे उनके चेहरों पर। Volunteer is the most important person in this massive people's movement. At the same time, no volunteer can force his learning and teaching techniques on the adult learner simply because any adult learner is very much against carrying book and pen at such an old age, and further he is also ashamed to study under volunteers who are several years younger to him. But here is a story of one Shanti of Annanagar slum area who has successfully brought several volunteers to her learner's center. तो हमारे पत्रकार भाई चंद्रशेखर शांति को समझा पाए कि बड़ी उम्र में पढ़ने का संकोच स्वाभाविक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसे दूर नहीं किया जा सकता। लोगों के बीच शांति को समझाना था कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र थोड़ी ही होती है। ज्यादा उम्र में स्लेट पेंसिल पकड़ना शर्म की बात नहीं बल्कि गर्व की बात है कि देखो अब हम अनपढ़ नहीं रहेंगे। इस तरह शांति ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के मन में ये बात अच्छी तरह बिठा दी और लोगों को पढ़ने के लिए तैयार कर लिया। पर फिर भी जब शांति ने देखा कि लोग पढ़ने से झिझक रहे हैं तो उसने स्लेट पेंसिल और कागज से पढ़ाई की बात बिल्कुल नहीं की। वो केवल निरक्षरों से मिलती रही, उनका हालचाल पूछती रही और बातों बातों में उसने निरक्षरों को ये गिनना सिखाया कि बस्ती में कुल कितनी झोपड़ियां हैं, हर झोपड़ी में कितने लोग रहते हैं और इस तरह पूरी बस्ती में कितने लोग हैं। और जब इस तरह की बातों में लोग दिलचस्पी लेने लगे तो फिर शांति ने धीरे धीरे उन्हें इन चीजों को लिखने के लिए भी प्रेरित किया। उसके बाद तो शांति की साक्षरता कक्षा में बड़ी तादाद में निरक्षर पढ़ने के लिए आने लगे। खासकर महिलाओं ने तो पढ़ना लिखना सीखने में काफी उत्साह दिखाया। கஷ்டமா இருந்தது இந்த அறிவொளியை ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஒவ்வொரு தெருவிலும் அறிவொளியை பத்தி சொல்றதுனால சாந்தி கா கஹனா ஹே கி நிரக்ஷரோ கி மனாஹி கே பாவஜூத் உஸ்னே ஹிம்மத் நஹீ ஹாரி பல்கி உன்கோ தயார் கர்னே கா ராஸ்தா டூண்ட்தி ரஹி ஔர் உஸே யே ராஸ்தா மில் பி கயா. இந்த மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கு நீங்க வந்து கடைக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கணக்கு தெரியாது, வந்து செலவு வாங்கினா मैंने लोगों को ये बताया कि अगर आप पढ़ लिख लेते हैं तो आप बस नंबर पढ़ने जैसी बातें तो कर ही सकते हैं, साथ ही मेयर के पास भी जा सकते हैं और उनसे अपनी समस्या भी बता सकते हैं। शांति की बुद्धिमानी ने निरक्षरों के मन से संकोच दूर करने में काफी हद तक सफलता तो पा ली, लेकिन यहाँ एक और चुनौती थी कि लोग अपने कामों में व्यस्तता की वजह से साक्षरता क्लास में आना नहीं चाहते थे।
यहाँ की जिंदगी का एक सकारात्मक पहलू ये है कि महानगर रहने के कारण यहाँ के अधिकांश निरक्षरों के पास रोजगार के कई मौके हैं। खासकर एक बड़ा तबका उन लोगों का है जो यहाँ के स्टील कारखाने में काम करते हैं। उनके पास अपनी ड्यूटी से बंधे होने का बहाना भी था और साथ ही उनका ये भी कहना था कि जब वे बिना पढ़े लिखे अच्छा खासा कमा रहे हैं तो पढ़ने लिखने की माथापच्ची क्यों करें। रात दिन की कड़ी मेहनत से इन्हें जो भी मिलता था वे उसी में खुश रहते थे। अक्षरों के ज्ञान के फायदे उन्हें न पता थे और न ही वे इसे जानने की कोशिश करते थे, बल्कि यदि बताने की कोशिश भी की जाए तो इसके प्रति अनमनापन दिखाते थे। This major problem of motivating adult learners into believing that literacy empowers them with more avenues of progress, there are several strategies to adopt. Here is our Prakash, a factory worker, steel factory worker, who has brought several of his co-workers into the literacy center, and he has succeeded in making them realize that literacy empowers them not merely money, but social status as well. Hereafter, that is after attending these centers, after attending the regular classes, they are not what they had been, ignorant of their own potentiality as they used to be. तो चंद्रशेखर का कहना है कि शुरू शुरू में पढ़ने लिखने पर निरक्षर मजदूरों की बेरुखी स्वाभाविक है और ऐसे में स्वयं सेवकों का उत्साह भी ठंडा पड़ता है, पर इस विपरीत स्थिति में भी रास्ता निकाला जा सकता है। वो है निरक्षरों की नहीं पढ़ने की जिद के आगे हार नहीं माननी है, बल्कि उन्हें बार बार प्यार से समझाना है कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे कमाना तो जरूरी है ही, लेकिन अगर वे समाज में सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहते हैं तो उन्हें लिखना पढ़ना आना जरूरी है। और इसी सुझाव की प्रकाश ने गांठ बांध ली। उसने इन लोगों को बताया कि यहाँ काम करके वे पैसा जरूर कमा रहे हैं, लेकिन अनपढ़ होने की वजह से उनको कई बार शर्मनाक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। अब जैसे तनख्वाह उठाते समय ही वे दस्तखत की बजाय अंगूठा लगाते हैं, किसी तरह का कोई आवेदन देना हो तो किसी और पर निर्भर करते हैं, यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ने वाले अपने बच्चों के छोटे मोटे सवालों को भी हल नहीं कर पाते। इस तरह की बातों ने कारखाना मजदूरों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला और वे अपने काम से थोड़ा समय निकालकर लिखना सीखने लगे। कारखाने के ही एक कमरे में साक्षरता कक्षा लगने लगी ताकि कहीं दूसरी जगह आने जाने से इन मजदूरों का समय बर्बाद न हो। इस तरह स्वयंसेवक प्रकाश ने अपनी योग्यता दिखाई और ऐसे निरक्षरों को भी साक्षरता अभियान के दायरे में ला दिया जो किसी भी प्रकार से पढ़ने को तैयार नहीं थे। इस पढ़ाई का फायदा भी उन्हें जल्दी ही नजर आने लगा। अभी अपनी मजदूरी आंख बंद करके अंगूठा लगाकर नहीं लेते, बल्कि अच्छी तरह से पैसे गिनकर बड़े गर्व से दस्तखत करते हैं। तो इस तरह से निरक्षर मजदूरों को प्रोत्साहित करके प्रकाश को यहाँ सफलता मिली। There is one more problem of bringing adult learners into learning centers and to sustain their interest longer to achieve the intentions of National Literacy Mission. Apart from rigorous training schedule, we should imbibe in volunteers a spirit of commitment, conviction, and resolution to empower these people with literacy and awareness components. In fact, volunteers are the sheet anchor of the entire process. सही कहा चंद्रशेखर ने। निरक्षरों को साक्षरता से कैसे जोड़ा जाए, इस बात का प्रशिक्षण तो हर स्वयंसेवक को दिया जाता है, पर सिर्फ प्रशिक्षण की बातों पर ही चलकर निरक्षरों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई बना बनाया फॉर्मूला तो है नहीं जो हर जगह हर समय हर निरक्षर को पढ़ने के लिए तैयार करने में प्रभावी हो। और यही है स्वयं सेवकों के लिए एक और चुनौती कि वे कैसे अलग अलग हालातों में
अलग अलग प्रभावी तरीके निकाले। जैसे बीड़ी बनाने के स्वरोजगार में व्यस्त महिलाओं और पुरुषों ने पढ़ाई लिखाई सीखने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। वे तो बस अपने मालिक के लिए बीड़ी बनाते और उससे जो मिलता है उसी में अपना गुजारा करते हैं। उनका कहना है कि वे क्यों पढ़े, पढ़ने लिखने में जितना समय बर्बाद होगा उतने में और थोड़ी बीड़ी बना लेंगे तो कुछ ज्यादा कमा सकेंगे। क्या जानेगा ये काम में रहता सोने, कौन पढ़ना लिखना जानता। ये तो तकलीफ से गुजारने की जिंदगी है ना, कौन पढ़ना लिखना जानता है। इनके द्वारा बनाई गई हर 500 बीड़ियों पर 15 से 20 रुपए तक इन्हें मिलता है। ये तो कोई ज्यादा पैसे नहीं हुए, पर अब से पहले इनको अपने शोषण का ख्याल तक नहीं आया था कि इनकी मेहनत के बदले उन्हें इतने कम पैसे क्यों मिलते हैं। हमें बोल रहा हूँ जाओ को, अब इसके ऊपर हमें पढ़ने आते ही क्या भी हमें फायदा मिलेगा, बीड़ी में हमें क्या भी नहीं है, नुकसान है। ऐसे में इनकी शोषण की बात बताकर स्वयं सेवक हयात ने इन्हें जगाया। इस शोषण से मुक्ति में साक्षरता कैसे उनकी मदद कर सकती है, ये बात बताकर उन्होंने बीड़ी वर्कर्स को साक्षरता के फायदे बतलाए। उनको ये भी समझाया कि अगर वे बीड़ी गिनना सीख लेते हैं तो उसके बाद उनको कोई ठग नहीं सकता और वे अपना हिसाब किताब भी बराबर रख सकते हैं। तीन, चार, चार, पांच, पांच, छः, छः, सात, सात। हयात ने पढ़ाई की प्रक्रिया की शुरुआत भी इन्हें बीड़ी गिनना सिखाने से शुरू की। फिर निरक्षरों की समझ में जैसे जैसे पढ़ाई के फायदे की बात आती गई, वे पढ़ने के लिए जुटने लगे। हयात ने बड़ी तल्लीनता और धैर्य के साथ इन्हें पढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि साक्षर हो जाने के बाद अब इनको अपने ठगे जाने का डर नहीं है। अभी अपने हाथों से बनाई गई बीड़ी भी गिन सकते हैं और उनका हिसाब भी रख सकते हैं। साथ ही पहले अनपढ़ होने के कारण उन्हें ये भी पता नहीं था कि अपने शोषण के खिलाफ शिकायत करें तो किसके पास करें, लेकिन अब इन्होंने अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। बीड़ी गिनने नहीं आता था, हम 1000 बीड़ी ले आते थे, अब बोले तो 500 छह बोलते, और हमको गिनने नहीं आता था, वो ले लगा आते थे मजरी। अब हमको मालूम होया है तब 500 देते तो 500 मजरी आता, तब बीड़ी पता नहीं निकलता, बोले तो तुम जाओ उधर ही जाओ काम कर लो, तब मजरी खड़ा लेते हैं, जाको वहाँ पूछो हमारा 2 लाख रुपये उधर खड़को है, हमको पैसा नहीं आता जाओ। अरे 10 रुपए तो भी देगा, अरे सबको नहीं दिया हमारे, तुम्हें कैसा दिया लेंगे बोलते, हमको धूप में बुला लग जाते, चाय पिलाते बुला लगा जाते। यानी कि बीड़ी बनाने वाले ये हाथ पढ़ना लिखना भी जान गए हैं और अपने अधिकारों को हासिल करना भी, और ये सब संभव हुआ है तो बस हयात के कठिन प्रयासों से। इनके जैसे स्वयं सेवक सचमुच बधाई के पात्र है, लेकिन हयात की सफलता की तरह सभी स्वयं सेवक सफल नहीं होते तो उसके पीछे भी कारण है। देयर इज वन मोर प्रूवन एक्सपेरिमेंट, द असेंबलेज ऑफ लर्नर्स एंड वॉलंटियर्स इन अ लार्ज नंबर ऑन इंपॉर्टेंट पब्लिक ओकेशंस लाइक दीपावली, क्रिसमस और पोंगल। दे नीड नॉट बी कंडक्टेड विद पॉम्प एंड स्प्लेंडर, इन फैक्ट with the modest participation of the learners and volunteers, they will serve the purpose well. The involvement of the local councillor, the elected representative of the people, will definitely enthuse the spirit of the participants. चंद्रशेखर का मानना है कि कई बार ऐसा भी होता है कि निरक्षर पढ़ने लिखने के महत्व को तो समझ जाते हैं और साक्षरता क्लास में आना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन जल्दी ही उनका इससे मोह भंग हो जाता है और वे कुछ दिन बाद साक्षरता क्लास में आना छोड़ देते हैं। कारण, पढ़ने लिखने का काम उन्हें बहुत नीरस लगने लगता है। उन्हें ये भी लगने लगता है कि वे कुछ नहीं सीख सकते। ऐसे में स्वयं सेवक उन्हें साक्षरता से कैसे जोड़े रखते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चेन्नई की झुग्गियों में भी यही समस्या आई कि निरक्षर कक्षा छोड़ने लगे।
इन हालातों में यहां के स्वयंसेवकों ने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला। उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों जैसे कि पोंगल पर निरक्षरों से मिलने जुलने का कार्यक्रम आयोजित किया। दक्षिण भारत में काफी धूमधाम से मनाए जाने वाले इस त्योहार का नाम है पोंगल। इस त्योहार की तैयारी यूं तो महीने भर पहले से ही होने लगती है, लेकिन त्योहार के दिन लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। खासकर चेन्नई के सागर तट पर तो इस दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसमें झूला भी होता है और तरह तरह की करतब भी। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग समुद्र में नहाते भी हैं और लहरों से अटखेलियां भी करते हैं। युवाओं की मंडली तो पूरे जोश खरोश में होती है और इस तरह के अवसरों का इस्तेमाल साक्षरता अभियान के स्वयंसेवकों ने काफी समझदारी से किया। उन्होंने शाम के समय निरक्षरों से मेल मिलाप और बातचीत का कार्यक्रम रखा। यहाँ जब सभी आपस में मिले और जो खुशियाँ बांटी, उससे निरक्षरों में विश्वास की एक नई लहर दौड़ी। इस मेल मिलाप ने स्वयंसेवकों और निरक्षरों के आपसी संबंध इतने मजबूत कर दिए कि उनके बीच की झिझक और दूरी जाती रही। और फिर तो पढ़ने पढ़ाने में वे ऐसे रमे कि उनके बुलंद हौसलों के आगे निरक्षरता का अंधकार मिटने लगा। यहाँ भी हमारे चंद्रशेखर का ये सुझाव है कि इस तरह के आयोजनों में अगर जिले के उच्च अधिकारियों और दूसरी बड़ी हस्तियों को शामिल किया जाए तो साक्षरता की मुहिम में और गति आएगी। वैसे साक्षरता अभियान के दौरान एक और बात जो देखने में आई वो थी कि शुरू शुरू में निरक्षरों के मन में ये बात थी कि स्वयं सेवकों को पढ़ाने के बदले आर्थिक फायदा होता है, इसीलिए वे भी यदा कदा स्वयं सेवकों से पैसे की मांग करते थे। लेकिन अब वो भ्रम भी दूर हो गया और वे समझ गए कि साक्षरता की मशाल थामने वाले ये स्वयं सेवक अपने स्वार्थ में नहीं बल्कि उस समाज की भलाई में समर्पित होते हैं जो कई कारणों से आज भी अनपढ़ है और जिसे साक्षरता की रोशनी की जरूरत है। इस काम में योगदान के लिए हर पढ़ा लिखा व्यक्ति आगे आ सकता है और निरक्षरों की समस्या दूर करने में हाथ बंटा सकता है, और वे भी वैसा ही ऊंचा स्थान पा सकते हैं जैसे कि चेन्नई की झुग्गियों में सक्रिय स्वयं सेवकों ने पाया है।